नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल कोठियाल जी में। आज हम आपको रिवील कराएंगे रियल मी 5 की अनबॉक्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए इस फ़ोन का कलर जो है क्रिस्टल ब्लू में, और यहाँ आपको देखिए रियल मी 5 की ब्रांडिंग और पीछे कुछ इसकी डिटेल्स, प्राइस वगैरह एंड इसके सीरियल नंबर्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्राइस को कर रखा है इन्होंने कट XXXXXX। काफ़ी यूनिक फ़ोन है ये इस प्राइस सेगमेंट में जो हमारे पे है, वो है क्रिस्टल ब्लू। इस फ़ोन की मेन आपको हाईलाइट बता दूंगा मैं। तो दोस्तों, इस फ़ोन की मेन हाईलाइट है इसकी बैटरी, जो कि है 5000 mAh बैटरी। चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने मैं इसको तो दोस्तों मैं आपको एक बात हमें भूल गया, इसका लोगो हमने अभी नोटिस किया है, डेयर टू लीप। आपको पता है आजकल रियलमी काफ़ी हमें लीप करवा रहा है बात बात पर, तो काफ़ी सरप्राइजेस दे रहा है हर बात पे, क्योंकि इसके ऑलमोस्ट हर मंथ इसके नए नए फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं। तो एक रियलमी 5 एक टॉप मोस्ट फ़ोन आता है इस प्राइस सेगमेंट में। तो चलिए हम उसको ओपन करते हैं। देखिए दोस्तों, हे वेलकम टू रियलमी फैमिली। तो दोस्तों सबसे पहले आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है। ये हमारा बैक कवर जो हमारे फ़ोन को प्रोटेक्ट करता है। ये काफ़ी स्लिम है और काफ़ी ड्यूरेबल भी है। आप इसको कहीं भी मोड़ तोड़ ओड़ के देख सकते हो, ये हमारे फ़ोन को काफ़ी अच्छी तरह प्रोटेक्ट कर सकता है। इसको साइड में रखते हैं। सेकंड चीज़ हमारे ये पेपर बक्स है, आप देख सकते हो, इसको भी हम साइड में रखते हैं। अब आता है हमारा मेन फ़ोन। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा प्रीमियम ब्रांड न्यू फ़ोन हमारे क्रिस्टल ब्लू कलर में, और आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग ये है डायमंड लुक कलर में, जो काफ़ी यूनिक बनाता है फ़ोन को। आप देख सकते हैं इसकी शाइनिंग। रियलमी ने इस बार काफ़ी कुछ यूनिक डिज़ाइन मॉड्यूल सेटअप किया है इसके लिए। और चलिए इसको भी हम साइड में रखते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा 10W अडैप्टर, इसको भी हम साइड में रखते हैं। और ये हमारा है USB टाइप बी केबल, आई थिंक यस इट्स USB टाइप बी केबल, माइक्रो USB। एंड लास्ट में हमारा है सिम इजेक्टर टूल, जो हर फोन में होता है ऑलमोस्ट। दोस्तों हमने एक चीज़ नोटिस की है कि इस फ़ोन में हमारा कोई भी हेडफोन नहीं आया है, तो ये थोड़ा सैड है हमारे लिए, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में रियलमी इसको प्रोवाइड करा सकता था। बट कोई नहीं, इस हेडफोन की हमारी कमी ये हमारा फ़ोन जो एकदम बेहतरीन स्टाइलिश कलर में है ये पूरी करेगा। तो अभी इसको हम थोड़ा बूट कर देते हैं, इसके बाद आपको मैं इसकी सेटिंग्स वगैरह कुछ दिखाऊँगा। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हो रियलमी की ब्रांडिंग है, पावर्ड बाय एंड्रॉयड। हाँ, दोस्तों हम देख सकते हैं हमारे फ़ोन के टॉप साइड में कुछ नहीं दिया है, ये एकदम फ्लैट है। राइट हैंड साइड में हम देख सकते हैं हमारा ये पावर ऑन ऑफ बटन है। इसके नीचे दोस्तों हम देख सकते हैं हमारा फाइनली जो आजकल फ़ोनों में नहीं आता है, हमारा प्यारा दुलारा हेडफोन जैक। दोस्तों हमारे जैक के बिल्कुल बगल में है हमारा प्राइमरी माइक्रोफोन, और उसके जस्ट बगल में हमारा माइक्रो USB जैक, और लास्ट में हमारा स्पीकर। दोस्तों इसके लेफ्ट हैंड साइड में हम देख सकते हैं हमारा वॉल्यूम अप एंड डाउन वॉल्यूम रॉकर्स, और इसके ऊपर हमारी सिम ट्रे टूल। तो इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ क्या ये हाइब्रिड है या 2 SIM प्लस डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड के साथ। आइए दिखाता हूँ आपको। तो हमने ओपन कर दिया है, आप आइए इसको रिवील करते हैं। यस, फाइनली हम देख सकते हैं इसमें 2 नैनो SIM प्लस हमारा मेमोरी कार्ड लग सकता है, तो ये काफ़ी यूनिक फीचर है। आते हैं इसके फ़ोन के डिस्प्ले में। तो दोस्तों ये है 6.5 की HD डिस्प्ले। दोस्तों हम इसके बैक में फिर से आते हैं।
तो दोस्तों आते हैं इसके कैमरे की ओर। रियल मी हमें प्रोवाइड करा रहा है क्वाड कैमरा। सो फर्स्ट कैमरा है हमारा 12 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर के साथ। सेकंड हमारा 8 मेगापिक्सल f2.2 अपर्चर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा के साथ। सेकंड हमारा 2 मेगापिक्सल मैक्रो मोड के लिए, और हमारा लास्ट कैमरा है 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। और साइड में है हमारा फ्लैश, और जस्ट उसके नीचे है हमारा फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो काफ़ी यूनिक सा डिज़ाइन में दे रखा है इन्होंने। सो दोस्तों इसमें प्रोसेसर है हमारा स्नैपड्रैगन 665 ऑक्टर प्रोसेसर के साथ, जो इस प्राइस सेगमेंट में काफ़ी डिपेंडेबल लगता है। सो आइए दोस्तों इसको हम सेटअप कर देते हैं। सो दोस्तों हम इसके मेन स्क्रीन में आ गए हैं। इसमें दिखा रहा है इंपोर्ट डाटा फ्रॉम एन ओल्ड फ़ोन। हमें ये नहीं करना है, हमें सेट एज न्यू रियलमी फ़ोन करना है। तो आइए करते हैं, चलिए हम इसको स्किप करते हैं, ये बस जस्ट फॉर्मेलिटीज़ है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इसमें हमारा कलर OS 6 प्रोवाइड करता है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। सो ये जस्ट फॉर्मेलिटीज़ है, हम इसको बैक करते हैं। सो देखिए ये हमारी फ्रंट स्क्रीन है। ये हमारा फ़ोन प्रोवाइड करा रहा है कुछ ऐप्स जो इसमें इनबिल्ट है, आप इसको चाहे बाद में डिलीट भी कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। ये देख सकते हैं इसमें काफ़ी यूनिक सा डिज़ाइन है, जो काफ़ी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं आपको स्क्रीन मिल रही है 6.5 HD IPS डिस्प्ले के साथ, और जस्ट इसके टॉप में आप देख रहे हैं एक नोच कैमरा है, जो है 16 मेगापिक्सल कैमरा, जो इस प्राइस सेगमेंट में काफ़ी अच्छा दिया है रियलमी ने। तो आइए हम इसका कैमरा ऑन करके दिखाते हैं। साथ में आप देख सकते हैं काफ़ी नए फीचर्स दिए हैं, कई नए मोड दिए हैं रियलमी ने, नाइटस्केप इंक्लूडिंग पियानो एक्सपर्ट टाइम लैप्स एंड स्लोमो। सो इसमें एक यूनिक फीचर है, आप इसमें अल्ट्रा मोड भी देख सकते हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि नाइटस्केप मोड हर फ़ोन में आ रहा है, तो इसमें भी दिया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इस प्राइस सेगमेंट में आपको ये प्रोवाइड करा रहा है। सो सेल्फी कैमरा इसका है 16 मेगापिक्सल कैमरा, तो जो काफ़ी यूनिक है इस प्राइस सेगमेंट में। सो आपको अब इसके ऐप्स वगैरह मैं बता देता हूँ जो भी इसमें इनबिल्ट है, जैसे आपका फेसबुक, फाइल मैनेजर, FM रेडियो, कीप नोट्स, इसको आप चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो आते हैं इसके सेटिंग्स पे, आपको बताते हैं इसमें क्या मेमोरी है, क्या इसकी रैम रोम है, क्या इसके फीचर्स हैं। सबसे पहले हम जाते हैं अबाउट फ़ोन में। तो आप देख सकते हैं डिवाइस नेम है हमारा रियलमी 5, जो कलर OS वर्जन 6.0.1 के साथ है। हमारे इसमें एंड्रॉयड वर्जन 9 है, जो अभी तक लेटेस्ट है, एंड्रॉयड पाई। और साथ ही साथ इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। रैम इसमें 4 GB इनबिल्ट है, एंड डिवाइस स्टोरेज 128। सो वर्जन हमारा RMX X199EX 11A 1.2, जो कि इसकी जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम आपको बता रहे हैं। और दोस्तों इसमें लेटेस्ट हमारा एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच है, जो 5 अगस्त 2019 में अपडेट हुआ है। सो दोस्तों वैसे इस प्राइस में मैं आपको बता दूँ, ये अभी तक का बेस्ट फ़ोन है, इसके आसपास जो कोई टक्कर वाला फ़ोन नहीं आया है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जाइए और इस फ़ोन को परचेज़ कीजिए, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, दोनों जगह से आप कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं इसका टच भी काफ़ी स्मूथ चल रहा है। सो देखो दोस्तों आप देख सकते हो इस ब्रांड न्यू फ़ोन को इस नए डिस्प्ले के साथ, जो काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है इस डायमंड कलर लुक में, जो हमारा क्रिस्टल ब्लू है। इसमें दो कलर मिलते हैं आपको, एक क्रिस्टल ब्लू और दूसरा है क्रिस्टल पर्पल। सो फ्रेंड्स इफ़ यू आर न्यू देन सब्सक्राइब, और आप अगर पुराने हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। जैसे आप शेयर करते हैं तो उससे हमें हौसला मिलता है आगे और वीडियोस लाने का। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों को दिखाइए, और ज़रूर ये फ़ोन परचेज़ कीजिए।
ये फ़ोन डेफिनेटली इस प्राइस रेंज में बहुत अच्छा फ़ोन है। तो चलिए दोस्तों, इसी